मैं बार बार कहता हूं कि सिक्योरिटी का कोई लैप्स नहीं हुआ है, कुछ लैप्स नहीं हुआ है। जो सॉफ्ट टारगेट पर अटैक किया है उसके पास सिक्योरिटी प्रोवाइडर हम लोग नहीं किए थे, नहीं था। हर एक सॉफ्ट टारगेट को सिक्योरिटी देना संभव नहीं है, और हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर लिए, उसमें दो को न्यूट्रलाइज कर लिए सिटी वाले को, और जो भी तीन बच गया है जो इससे इन्वॉल्व थे उसको बहुत जल्दी हम लोग न्यूट्रलाइज कर देंगे। पॉलिटिशियन का काम है उल्टा पुलटा बोलने को, बोलते रहता है ये लोग। हम लोग प्रोफेशनल पुलिस फोर्स है, मुझे पता है, डॉक्टर को पता होता है कि ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। हम लोग प्रोफेशनल है, मुझे पता है कि कैसे हैंडल किया जाता है, उस ढंग से करेंगे। मैंने बिंद्रू साहब के किलिंग के बाद ही जैसे आप लोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस दिए थे कि हम लोग पीस बनाने में पूरा मेंटेन करने में पूरा मेहनत कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। सर आपने सही कहा कि सॉफ्ट टारगेट को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि बड़ी आबादी है। एक एक खदशा यहाँ पे ये हो रहा है, एक अप्रहेंशन है कि पाकिस्तानी मिलिटेंट कुछ एक्टिव हैं, कुछ बात आई थी जो वहाँ पे केस हुआ, क्योंकि आपने भी लिखा है कोरोबरेटर था। बिल्कुल बिल्कुल, हम सब जानते हैं कि जो टीचर को मारने में जो गोली पिस्टल फायरिंग किया था, मेहरान फायरिंग किया था, उसके साथ ये दोनों भी था, तो कॉर्पोरेटर वही होगा जो साथ देता है। यहाँ पर जो पांच टेररिस्ट है, ये पांचों मिलके काम करता था अटैक करने।